मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम ये केस पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, PUO। बड़ी गंभीर समस्या लगती है सुनने में, क्योंकि अगर किसी का बुखार 15 दिन तक न डायग्नोज हो और न ही वो उतरे, तब उसको हम कहते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। हमने आपको ये कहा, पहले ही दिन मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर, स्क्रब टाइफस, ये सब डिटेक्टेबल हो जाते हैं। और अब हमारी लेबोरेटरीज इतनी साधन संपन्न हो गई हैं कि तरह तरह के एंटीजन्स, एंटीबॉडीज, सब चीज़ डिटेक्ट कर करके, और कोई भी शायद ऐसा ऑर्गेनिज्म अब नहीं बचा होगा कि जिसे पहचाना नहीं जा सकता। अगर ब्लड में मलेरिया पहचानने में दिक्कत आती थी, तो अब मलेरिया कार्ड टेस्ट उपलब्ध है जो मलेरियल एंटीजन को डिटेक्ट करता है। इसी तरह से डेंगू का NS1 एंटीजन और स्क्रब का सुत्सुगामुशी का एंटीजन पहले दिन ही डिटेक्टेबल हो जाता है। और ये ऐसे साधन हैं जो कॉमनली ऑकरिंग फीवर, जो हमारे इस ज्योग्राफिकल रीजन में ज़्यादातर होते हैं बुखार, उन बुखारों को पहले ही दिन डायग्नोसिस बना देगा। अगर एक हफ्ते में बुखार नहीं उतरे, तब आप टाइफाइड का सोच सकते हैं, और टाइफाइड के लिए जो जो टेस्ट उपलब्ध हैं वो आप करवा सकते हैं। इस बीच शायद पेशेंट एंटीबायोटिक खा ही चुका होगा, और अगर उससे बुखार नहीं उतरे तो सेप्सिस है अथवा नहीं, इसके लिए प्रोकैल्सिटोनिन का टेस्ट होता है जो पॉजिटिव होने पर सेप्सिस को दर्शाता है। वायरल इन्फेक्शन में ये अक्सर निगेटिव पाया जाता है। तब तक अगर कोई रैश भी अपीयर नहीं होती है, जैसे कि मीजल्स की अथवा चिकन पॉक्स की अथवा और किसी तरह की, तो भी डायग्नोसिस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। जिसको सिर्फ बुखार है और कोई दूसरा लक्षण नहीं, ऐसे पेशेंट को क्या बीमारी है, अगर 15 दिन तक ये पता न चल पाए, तब उसे हम कहते हैं FUO, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, अथवा PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। और भारत जैसे देश में जहाँ ट्यूबरकुलोसिस का इतना ज़्यादा प्रमाण है, हमारी जनता में से करीब 2.5 से 3% लोग TB से पीड़ित हैं, उनका इलाज चल रहा है। और मैं आज आपको एक दो नई बातें बतलाने वाला हूँ कि वो किस तरह से TB को दूसरे लोगों में फैला रहे हैं। और इसके साथ साथ ही एक बहुत बढ़िया टेस्ट की बात मैं आपको करूँगा, जिसके पॉजिटिव मिलने पर आप विश्वास के साथ TB का ट्रीटमेंट शुरू कर सकेंगे। इससे पहले एक बात आपको और बता दूं कि मैं जहां पहले काम करता था BHL में, वहां मेरे जो सीनियर थे वो TB स्पेशलिस्ट, वो चेस्ट स्पेशलिस्ट थे, और उनका ये कहना था कि अगर बुखार होते 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 कोई आदमी की हालत ख़राब होने लगे, और अगर कहीं पे भी कोई TB का एविडेंस ना भी मिले, तो भी उसे एक बार TB की दवाई ज़रूर खिलाई जानी चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, TB की दवाई के साथ साथ थोड़े स्टीरॉयड भी दिए जाने चाहिए। उसका कारण वो ऐसे बताते थे कि एक तो स्टीरॉयड देने से टॉक्सीमिया कम हो जाता है, और दूसरा अगर साथ साथ उसमें कोई ऑटो इम्यून फीचर हो, ऑटो इम्यून कॉज हो, तो उसके लिए भी स्टीरॉयड बहुत अच्छे होते हैं। तीसरा और चौथा जो मैं जोड़ रहा हूँ अपनी तरफ से, उसे भी आप ध्यान रखें कि बहुत बार ट्यूबरकुलोसिस जहाँ कहीं भी हो शरीर में, साथ साथ वो एड्रिनल ग्लैंड को भी प्रभावित करती है। और एड्रिनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी के दो ही कॉजेज होते हैं, एक ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन जो कि रेयर है, और एक ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द एड्रिनल जो कि भारत जैसे देश में बहुत ही कॉमन है। तो जब जब ट्यूबरकुलोसिस सस्पेक्ट करें, और साथ में अगर इसको स्टीरॉयड देना हो, तो उसके दो और पुख्ता कारण मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कारण कि हो सकता है वो साथ साथ एड्रिनोकॉर्टिकल ट्यूबरकुलोसिस का भी शिकार हो, और क्या पता ट्यूबरकुलोसिस और कहीं पे है ही नहीं शरीर में, सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूबरकुलोसिस है और इसके लिए बुखार चढ़ रहा है और वो PUO का केस बन गया है। तो हो सकता है कि एड्रिनोकॉर्टिकल ट्यूबरकुलोसिस उसे हो, और इसलिए स्टीरॉयड देने में भलाई है। और दूसरी भी एक बात बता दूं कि ट्यूबरकुलोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है वास्कुलाइटिस, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है, अगर उसमें सेरिब्रल वेसल्स का वास्कुलाइटिस हो जाता है तो उसका रिजल्ट बहुत खराब हो सकता है। इट कैन प्रूव डिजास्ट्रस, कहीं से भी स्ट्रोक हो सकता है, और वो स्ट्रोक को झेलना बहुत कठिन होगा, उसमें से रिकवरी भी बहुत मुश्किल होगी और बहुत लंबे समय में होगी। तो इसलिए किसी भी तरह से
अगर ट्यूबरकुलोसिस में आप इंतजार करते रहें और कहीं ऐसा ना हो कि वास्कुलाइटिस की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, इसलिए अगर कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं भी मिले तो भी एक बार ट्यूबरकुलोसिस की ड्रग्स और साथ में स्टीरॉयड उसको देने चाहिए, ऐसा हमारे सीनियर कहा करते थे। अब बहुत सारे नए नए टेस्ट उपलब्ध हो गए हैं। पहले हम सिर्फ मॉन्टूज टेस्ट करते थे, ईएसआर के भरोसे रहते थे और स्पूटम वगैरह में से एएफबी ढूंढने की कोशिश करते थे। अब बहुत सारे बैक्टीरिया के, वायरसेस के पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके और उनके छोटे से क्वांटिटी में मिले हुए जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को बहुत मल्टीप्लाई करके और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में भी ये बात सत्य है। टीबी पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करके माइकोबैक्टीरियल डीएनए को थोड़ा सा क्वांटिटी में भी अगर मिल जाए तो उसे एम्पलीफाई करके और पहचाना जा सकता है। इसके अलावा जो नई बात मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ वो है डॉक्टर वी एम बापट के 2006 में छपे हुए एक पेपर से संबंधित। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स का, करीब 600 पेशेंट्स का, इन्होंने 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट करके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें एएफबी ढूंढ निकाला है और उन्होंने दर्शा दिया है कि ऐसा नहीं है कि यूरिन में एएफबी सिर्फ रीनल ट्यूबरकुलोसिस में मिलेंगे। यूरिन में एएफबी मिलेंगे अगर कहीं पर भी, चाहे वो पल्मोनरी अथवा एक्स्ट्रा पल्मोनरी साइट पर ट्यूबरकुलोसिस हो, तो उसके यूरिन में 24 घंटे के सैंपल में जरूर एएफबी मिलेंगे। और उन्होंने इसके बारे में कुछ कुछ एसिम्प्टोमेटिक लोगों को भी यूरिन 24 आवर एएफबी टेस्ट किया और जिसका पॉजिटिव निकला और उसको कोई सिम्टम नहीं था, उसको फॉलो किया तो पता ये लगा कि 4 महीने के बाद उसको रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग गया और उसको पॉट्स स्पाइन की डायग्नोसिस बनी। ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण था और हालांकि इसको बेस्ट करस्पॉन्डेंस का इनाम मिला है, लेकिन मेरी नज़र में संपादकों ने इस पेपर के साथ न्याय नहीं किया हुआ है। इसे रिसर्च पेपर में डाल करके और रिसर्च पेपर में इसे पहला इनाम मिलता तो मुझे ज़्यादा न्यायपूर्ण लगता। मैं पुणे गया भी था, मैं वीएम बापट साहब से विशेष रूप से मिला और उनको इस पेपर के लिए बधाई दी कि आपने बहुत बढ़िया रिसर्च किया है और इसका दूरगामी प्रभाव है। तब से 2006 से और आज 2020 तक मैं ज़्यादा नहीं तो भी कम से कम 850-900 मरीजों का 24 घंटे का यूरिन एएफबी के लिए टेस्ट करवा चुका हूँ और बहुत बार मुझे इसके इतने अच्छे परिणाम मिले हैं कि टीबी की जांच के लिए मुझे और न कोई बायोप्सी की जरूरत पड़ी और न ही किसी विशेष एंडोस्कोपी अथवा और किसी भी इन्वेस्टिगेशन की। अगर बुखार नहीं उतरता दिखे और मेरे मन में ये आती है कि इसे कहीं ना कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, तो मैं उसका 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करवा के मंगाता हूँ और उसके अंदर सेंट्रीफ्यूज करवा के एएफबी देखने के लिए हमने अपनी लेबोरेटरी वालों को मना लिया है। हमारे लेबोरेटरी वालों का यह कहना है कि एएफबी जब दिखते हैं तो बहुत सारे दिखते हैं, कोई शंका का स्थान ही नहीं है। और वो एएफबी, किसी किसी ने यह भी शंका उठाई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरा कोई माइकोबैक्टीरियम हो, जैसे माइकोबैक्टीरियम स्मिग्मेटिस नाम का एक बैक्टीरियम होता है, वो तो नहीं। लेकिन डॉक्टर वी एम बापट ने अपने पेपर में यह स्पष्ट कर रखा है कि जो पीसीआर उन्होंने किया है उससे यह स्पष्ट है कि ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ही है और जिसका स्पूटम पॉजिटिव है उसके स्पूटम में निकलने वाले बैक्टीरिया और यूरिन में निकलने वाले बैक्टीरिया बिल्कुल सेम है। मेरे देखे इस पेपर के 2-3 महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए थे। बड़े दुख की बात है कि हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे एडिटर्स ने और दूसरे रिव्यूअर्स ने वो निष्कर्ष नहीं निकाले। मैं आपको संक्षेप में बता देना चाहता हूँ। अभी तक हमारी ये मान्यता है कि टीबी बलगम से स्प्रेड होती है। बलगम में जिसके टीबी के कीटाणु निकलते हैं वो आदमी खांसता है और इधर उधर थूकता है और फिर उस थूकने से जहाँ वो मिट्टी में, धूल में बैक्टीरिया पड़ते हैं वहाँ वो कुछ घंटे, कुछ दिन तक जीवित रहते हैं और फिर जब वो धूल उड़ करके दूसरों की नाक में जाती है तो इस तरह से वो बैक्टीरिया दूसरे के शरीर में पहुँचते हैं। लेकिन इस बारे में किसी ने गौर नहीं किया हुआ है कि अपने यहाँ भारत देश में मूत्रालयों की कमी है और इसलिए लोग मजबूर हैं, वो कहीं भी सड़क के किनारे मूत्र त्याग करने खड़े हो जाते हैं। और जिस जिस को ट्यूबरकुलोसिस है,
ऐसा व्यक्ति पूरे पॉपुलेशन का ज्यादा नहीं तो भी कम से कम 1 या 1.5% हो सकता है कि जिसके यूरिन में माइकोबैक्टीरिया निकलते हों, और वो माइकोबैक्टीरिया जहां जहां पर वो मूत्र त्याग करेगा वहां की मिट्टी में आ जाएंगे। अगले दिन वो मिट्टी धूल बनकर जब उड़ेगी तो उसके साथ साथ माइकोबैक्टीरिया भी उड़ेंगे, और ऐसा ना हो कि वो दूसरे तंदुरुस्त लोगों की नाक में जा करके और टीवी फैला रहे हों। अगर इस दृष्टि से सोचें तो WHO की ये पॉलिसी कितनी आपको प्रभावशाली दिख रही है या कम प्रभावशाली दिख रही है, क्योंकि जिसका स्पूटम पॉजिटिव होता है वो उसी के ट्रीटमेंट पे बल देते हैं कि ये आदमी है जो कि देश भर में ट्यूबरक्लोसिस फैला रहा है। लेकिन ये पेपर पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि नॉट ओनली स्पूटम पॉजिटिव केसेस बट ऑल दोज हु आर यूरिन पॉजिटिव फॉर AFB आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन, और इसीलिए मेरे देखे देश से ट्यूबरक्लोसिस जा नहीं रही है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पहलू और भी है कि इससे हमें ट्यूबरक्लोसिस और उसके साथ में जो होस्ट का संबंध है उसके बारे में एक नई बात पता चली, क्योंकि माइकोबैक्टीरिया ऐसे तो ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं हो रहे होते हैं, फिर वो कहाँ होते हैं? वो होते हैं इंट्रासेल्युलर। माइकोबैक्टीरिया को किसी WBC ने एनगल्फ कर लिया है, वो उसके अंदर है, और वो WBC क्या करता है, वो यूरिन में कूद जाता है। यानी वो ये कहता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी माइकोबैक्टीरिया को निगलने के बाद जब उसे पता चलता है कि मैं इसे पचा के खत्म नहीं कर सकता, मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो वो उसके साथ साथ यूरिन में कूद जाता है इस विचार से कि मैं शरीर से निकल के बाहर हो जाऊंगा। और ये काफी संभव है कि अगर किसी तंदुरुस्त व्यक्ति के यूरिन में AFB पाए जा रहे हों और उसे अभी तक कहीं पे कोई ट्यूबरकुलोसिस का फोकस नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, तो ये बिल्कुल संभव है कि वो अपने शरीर से सारे माइकोबैक्टीरिया को यूरिन में थ्रो आउट करके और उस डिसीज से मुक्त हो जाए। ये बिल्कुल संभव है, और इस तरह से ये शरीर की एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। इस बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए था जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। खैर, बहरहाल आप इन विषयों को छोड़ें, आप सिर्फ काम की बात ग्रहण करें, और वो काम की बात ये है कि TBPCR का टेस्ट यूरिन में किया जा सकता है। यूरिन के 24 घंटे के कलेक्शन में माइक्रोस्कोप में भी AFB ढूंढे जा सकते हैं, और वो मिलते हैं, और जब वो मिल जाता है तो आप बड़े विश्वास के साथ TB का ट्रीटमेंट उस पेशेंट में शुरू कर सकते हैं। जो दूसरे टेस्ट उपलब्ध हैं, जो TB गोल्ड टेस्ट उपलब्ध है अथवा जिसको कहते हैं जीन एक्सपर्ट, वो टेस्ट भी स्पूटम में अगर थोड़े बहुत भी इक्का दुक्का भी AFB प्रेजेंट हो तो उनकी उपस्थिति के बाद ही वो टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, अन्यथा नहीं। और इसलिए बहुत बार ये TB गोल्ड टेस्ट और जीन एक्सपर्ट टेस्ट ये दिखा नहीं पाएंगे कि इस पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है, जितना अच्छी तरह से 24 आवर यूरिन कलेक्शन फॉर AFB ये टेस्ट दिखा पाएगा। इसलिए मेरा लेबोरेटरी वालों से आह्वान है कि वो MV बापट साहब का वो पेपर ज़रूर पढ़ें और अपनी लेबोरेटरी में 24 घंटे के यूरिन स्पेसिमेन को सेंट्रीफ्यूज करके और उसके नीचे जो डिपॉजिट बैठे उसमें AFB स्टेन करके उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिलेंगे ज़रूर, और मिले हैं और मिलते रहेंगे, और ये एक बहुत अच्छा प्रमाण होगा। हमारे लिए आसान काम हो जाएगा कि जिस पेशेंट को हम ट्यूबरक्लोसिस सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसका बुखार नहीं जा रहा है, जो अन्य इन्वेस्टिगेशन में नहीं आ रहा है, एक्सरे में अल्ट्रासाउंड में कहीं भी कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर फिर भी यूरिन में AFB डिटेक्ट होते हैं तो ऐसे पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट करने से बुखार ठीक हो जाता है। ये एक बड़े काम की बात मैंने आपको बताई। आप सबको मैं आह्वान करूंगा कि MV बापट साहब का ये ओरिजिनल पेपर एक बार जरूर पढ़ें। इसका लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की। मजे की बात यह है कि ये ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी अभी कुछ साल से ही जुड़ी है। सही बात तो ये है कि अगर किताबों के नए नए एडिशन हम न पढ़ें तो हमें इन बातों की जल्दी से जानकारी हो भी नहीं पाएगी, और इसलिए मैं साथ साथ आप लोगों का ये भी आह्वान करता हूँ कि जीवन में जब जब आपको अवसर मिले किताब का नया एडिशन खरीदें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हैरिसन की टेक्स्ट बुक का मेरे पास 19वां एडिशन था, आजकल 20वां चल रहा है, अगर मैंने 20वां नहीं खरीदा है तो 21वां निकलने पर मुझे खरीद लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि डेविडसन की किताब आपके लिए अच्छी है और हैरिसन की जरा ज़्यादा बड़ी है, तो आप डेविडसन की किताब का
कम से कम एक एडिशन ना खरीदें तो उससे अगला एडिशन जरूर खरीदें, ताकि जो जो नई चीजें उसमें जुड़ गई हों, इतने सालों में रिसर्च होती रहती है, कंसेप्ट बदल जाते हैं, पैराडाइम शिफ्ट हो जाते हैं, और जो जो चीजें बदलती हैं वो नए एडिशन में आपको जरूर मिलेंगी। मैं इसी संदर्भ में अभी आपको ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में थोड़ा बता दूं। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं वो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी से संबंध रखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एंटी थायराइड एंटीबॉडीज का बनना, तो वो बड़ी स्पेसिफिक होती है, ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। एंटी थायराइड एंटीबॉडीज अगर गलती से बन गई वो थायराइड को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन बाकी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसी तरह से पर्टिकुलरली जब जब कोई एंटीबॉडीज एक पर्टिकुलर टिश्यू के अगेंस्ट बनती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मायस्थेनिया ग्रेविस में वो एंटीबॉडी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट बनती है, और तब वो उसको नष्ट करके मायस्थेनिया ग्रेविस को पैदा करती है। इसी तरह से गैस्ट्रिक पेराइटल सेल के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी पेराइटल सेल को नष्ट कर सकती है, और एक क्लोरहाइड्रिया अथवा एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस बन सकता है। तो इस तरह की जो ऑटो इम्यून डिसीजेज होती हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को डैमेज करके फिर शांत हो जाती हैं, पूरे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स वो हैं जिसमें शरीर की इननेट इम्यूनिटी, अब ध्यान दें जरा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम नहीं बात करें, इननेट इम्यूनिटी की जो मैकेनिज्म्स हैं, जिसके अंदर खास करके साइटोकाइंस का सिक्रीशन है, जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, और जो नॉन स्पेसिफिक होती है, और वो जब गड़बड़ करती है तो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं। इसका संक्षेप में क्या अर्थ हुआ कि इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ही है इन्फ्लेमेशन ही, और इन्फ्लेमेशन का ही एक हिस्सा है कि बुखार। लेकिन जब वो बुखार चढ़ता है तो इन्फ्लेमेशन पैदा करने का कारण कहीं बाहर से नहीं आया हुआ, कोई वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, ये चीज नहीं है। ये ऐसा इन्फ्लेमेशन है जो शरीर ने खुद ही पैदा कर लिया है और वो खुद ही उसका कष्ट झेल रहा है। हैरिसन की सबसे नई किताब में ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज इन विच फीवर इज ए कैरेक्टरिस्टिक इस नाम से एक टेबल है। मैं आपको इसमें से ये लिस्ट पढ़ के सुना रहा हूं। एडल्ट एंड जुवेनाइल स्टिल्स डिसीज, क्रायोपाइरिन एसोसिएटेड पीरियोडिक सिंड्रोम CAPS, फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, हाइपर IgD सिंड्रोम, मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम, नॉर्मो कॉम्प्लीमेंटिमिक अर्टिकेरियल वास्कुलाइटिस, एंटी सिंथेटेज मायोसाइटिस, पायोजेनिक आर्थराइटिस एंड पायोडर्मा गैंग्रीनोसम प्लस एक्नी, ब्लाउ सिंड्रोम एंड गाउटी आर्थराइटिस। इस पूरी लिस्ट में मैंने आज तक कोई डायग्नोसिस नहीं बनाया था, ना तो फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर यहाँ मिलेगा क्योंकि वो अरब कंट्रीज में, टर्की में, इत्यादि देशों में होता है, भारत में होता नहीं। पायोजेनिक आर्थराइटिस और पायोडर्मा गैंग्रीनोसम का डायग्नोसिस कभी नहीं बनाया था। गाउटी आर्थराइटिस का कभी कभार बनाया है, लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि मेटाबॉलिक डिसीजेज में भी फीवर होता है, तो गाउटी आर्थराइटिस में भी फीवर हो ही सकता है, और आफ्टर ऑल अगर आइटिस है तो हम उसकी डायग्नोसिस तो बना ही लेते। लेकिन अभी करीब 2 या 3 महीने पहले से मुझे एक ऐसा बुखार रहने लगा कि वो ना तो दवाइयों से जा रहा था और ना ही टेस्ट में दिखाई दे रहा था। मलेरिया का, डेंगू का, टाइफॉइड का सब टेस्ट कर लिया गया, लेकिन उस बुखार का कारण पता नहीं चला। लेकिन धीरे धीरे करके जब और दूसरे दूसरे ट्रीटमेंट करके भी वो बुखार नहीं गया, तो हमारे जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं, जो कि डॉक्टर समरजीत चौधरी हैं रामकृष्ण मिशन में, उन्होंने बड़ी खोजबीन करके और अपने बुद्धि अनुभव सबको उन्होंने दांव पे लगा करके ये डायग्नोसिस बनाई कि ये एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिसीज है। और तब मुझे ये ध्यान में आया कि मेरे करीब पिछले 1 साल के इतिहास में मुझे 6-7 बार तो बुखार हुआ, कभी वो एजिथ्रोमाइसिन से ठीक हो गया, कभी बिना एजिथ्रोमाइसिन के भी ठीक हो गया, लेकिन साल में 6 बार बुखार हुआ। एक बार मुझे यूवियाइटिस हुई और जिसके लिए मुझे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर त्रिवेदी की शरण में जाना पड़ा और उन्होंने मुझे स्टीरॉयड खिलाए और वो 5-10 दिन में ठीक हो गई। एक बार मुझे बहुत सीवियर टिनिटस हुआ
और मुझे ईएनटी सर्जन डॉक्टर जसप्रीत सिंह के शरण में जाना पड़ा और उन्होंने मुझे स्टीरॉयड खिलाई और वो 7-8 दिन में ठीक हो गया। इसके अलावा इस पिछले 1-1.5 साल में मुझे कई बार सबक्यूटेनियस नोड्यूल हुए, कभी कभी वो मस्कुलर नोड्यूल्स भी हुए और मैं उन्हें समझता था कि ये सिस्टिक सर्कोसिस की वजह से हैं। वो अल्बेंडाजॉल खाने से ठीक हो जाते थे और कई बार थोड़े छोटे निकलते थे, लेकिन वो बिना अल्बेंडाजॉल के भी ठीक हो जाते थे। अब अगर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये सभी एक तरह से ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर का हिस्सा हैं। इवन जो टिनिटस है वो भी, जो यूवीआईटिस है वो भी, और जो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हैं वो भी शायद इरिथिमा नोडोसम सेरिके थे। इसके अलावा मुझे योग करने में भी कुछ कठिनाइयां आती थी। अगर मैं किसी दिन थोड़ा भी कोई ज्यादा आसन कर लेता था या सूर्य नमस्कार ज्यादा लगा लेता था तो मुझे सेक्रोइलियाइटिस का पेन हो जाता था और अगले 1-2 दिन तक मैं योगासन नहीं कर पाता था। इन सारी चीजों को जब जोड़ के देखा गया और जब उसको ब्लड इन्वेस्टिगेशन के साथ में जोड़ा गया तो CRP का बढ़ा हुआ होना, सीरम फेरिटिन का बढ़ा हुआ होना, इन सब बातों के आधार पर यह डायग्नोसिस बनी कि हो न हो ये एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिसीज है। और जब फिर मैंने स्टीरॉयड खाना शुरू किया तब से वो बुखार भी चला गया, टिनिटस भी चला गया, शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई, लेकिन थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई है। अब उसको ट्रीट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्टीरॉयड्स को भी टेपर ऑफ करते जा रहे हैं। एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिसीज एक बड़ी खराब डिसीज है, ये आजीवन चलने वाली डिसीज है। कोई कोई फॉर्चुनेट है, लकी है, भाग्यशाली है जिसकी कि 1 या 2 बार बुखार आकर के छुट्टी हो जाती है, उसे फिर से बुखार नहीं होता। लेकिन ये बुखार कभी भी आ सकता है और किसी किसी को तो ये मल्टी ऑर्गन डैमेज भी कर सकता है। और इसलिए मैं अब आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एडल्ट ऑनसेट स्टिल्स डिसीज के बारे में मैंने जितना पढ़ लिया उतना जीवन में पहले कभी नहीं पढ़ा था। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, एक एक जीन तक हम पहुंच गए हैं, किस पेशेंट में कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन होने की वजह से एबनॉर्मल IL-1 बनने लग जाता है, IL-6 बनने लग जाता है और उससे बुखार चढ़ने लग जाता है। कहने का मतलब क्या कि अगर संक्षेप में आपको कहा जाए तो TB के अलावा जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में हम पहले काफ़ी चर्चा कर आए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया का बुखार, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस का बुखार, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का बुखार, लेकिन अब ये पूरी एक लिस्ट जुड़ गई है ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स की जो इननेट इम्यूनिटी से संबंध रखते हैं और जिसमें सेल्स एबनॉर्मली सिक्रीट करने लग जाते हैं साइटोकाइंस, खास करके जो पायरोजेनिक साइटोकाइंस हैं अगर वो सिक्रीट होने लगे तो बुखार चढ़ जाता है। आपने कभी कभी सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH SIADH के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे कैंसर्स कुछ न कुछ केमिकल सिक्रीट करने लग जाते हैं, तो इसी तरह से इसे भी समझें दैट देर इज इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ पायरोजेनिक साइटोकाइंस विच लीड्स टू फीवर। और खुशी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को स्टीरॉयड खिला के सप्रेस किया जा सकता है और हो सकता है कि वो पेशेंट इतना फॉर्चुनेट हो कि 2 हफ्ते या महीना 15 दिन या 1.5-2 महीने स्टीरॉयड खा करके उसे टेपर ऑफ किया जा सके और दोबारा कभी वो फीवर हो ही ना। इसलिए ये तो संभव है कि बिना डायग्नोस किए भी आप उस बुखार को स्टीरॉयड की सहायता से ट्रीट कर सकें, लेकिन इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले सब इन्वेस्टिगेशंस करके और इन्फेक्शंस को रूल आउट कर लिया जाए, क्योंकि जिस पेशेंट को स्टीरॉयड खिलाया जाएगा उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी और अगर कहीं छुपा हुआ TB का इन्फेक्शन हुआ तो वो TB काफ़ी फ्लरिश हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म्स ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं और फिर उसको कंट्रोल करना शायद ज़्यादा कठिन होता है। तो PUO के बारे में ये 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। एक बात तो ये बताई कि PUO के बहुत से केसेस आखिर में जाके ट्यूबरक्लोसिस के केसेस निकलेंगे और इसलिए ये सीख भी बड़े काम की है कि अगर और किसी चीज़ से बुखार नहीं उतरता दिख रहा है तो उसको एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन और साथ में स्टीरॉयड दिए जाने चाहिए, जो कि दोनों चीज़ों को कवर करते हैं, खास करके ट्यूबरक्लोसिस को और किसी भी ऑटो इम्यून अथवा ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स को। आज के लेक्चर में अभी इतना ही, अगले लेक्चर में हम पेन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कोई प्रश्न हो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपने मेरे लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो कृपा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें, ताकि जब जब कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी सूचना आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।